हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक अग्नि सुरक्षा अग्निशमन विभाग की बात है, वो क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील त्यौहार होता है, उसके दृष्टिगत हमारे जनपद के पूरे 9 फायर स्टेशन हैं वो ओवरऑल अलर्ट पे हैं और 24/7 के हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ संचालित हैं उसमें। फिर भी उसके अतिरिक्त भी कुछ लगभग 8-9 स्थानों पर स्टैंड बाई ड्यूटीज हम लोगों के द्वारा कमिश्नर महोदय के आदेश पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और जो इन 9 ड्यूटियों के अतिरिक्त जो भी स्टेशन पे ओवरऑल स्टाफ है पूरा अलर्ट पर है। किसी भी घटना से घटना को कंट्रोल करने के लिए हम पूरी तरह से पर कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सर, जनता को इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि त्योहारों में किस तरह से अपना आपको सुरक्षित रख सकते हैं अग्निशमन अगर कोई घटना होती है तो? देखिए, सबसे पहला तो यह है कि क्योंकि एक बड़ा अलग तरीके का त्यौहार है, हर्षोल्लास का पूरा त्यौहार है, इसमें हर घर में पकवान और इत्यादि का गैस रसोई का इस्तेमाल ज़्यादा की ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसमें LPG सिलेंडर का रिस्क रहता है, किचन में फायर होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है उसमें। तो पहला संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि आप जब भी रसोई घर में काम करें तो कॉटन के वस्त्र ही पहने, उसमें अपने पास में पानी का कोई बर्तन या कोई बाल्टी में पानी अवश्य रखें और गैस का पाइप वगैरह भी चेक कर लें, वो लीकेज कहीं से ना हो, किसी तरह का कोई लीकेज ना हो। इसके अलावा भी अगर कोई घटना हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पैनिक मोड में ना आके सीधा 112 पे कॉल करें और तत्काल प्रभाव से आपके लिए जो प्रशासनिक सहायता तुरंत पहुँचाई जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे फायर स्टेशन ऑलरेडी 9 संचालित हैं पूरे शहर में, कानपुर नगर की पूरी सीमाओं में, उसके अतिरिक्त कुछ अस्थायी अग्निशमन केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं गर्मी, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो ग्रामीण क्षेत्र की घटनाएँ काफ़ी बढ़ जाएंगी, घटनाओं की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमारे लगभग 5 स्थानों पर फायर टेंडर विद ट्रेंड मैन पावर स्थापित किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आग को समय रहते ही त्वरिता से कार्रवाई करते ही नियंत्रित किया जा सके। तो हमने पूरा लाइनअप कर लिया है, क्योंकि आज और कल होली की संवेदनशीलता के दृष्टिगत ये गाड़ियां वहां पर स्थापित ना करते हुए परसों 2 दिन के बाद में पूरा ड्यूटी पूर्ण रूप से संचालित कर दी जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसमें राहत मिलेगी।